हमारे YouTube चैनल फिल्मो टीविया पर आपका स्वागत है। वो पुरानी यादें। इस एपिसोड में हम देखेंगे शरारत, थोड़ा जादू, थोड़ी नजाकत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शरारत एक फैंटेसी शो था जो कि स्टार प्लस पर 24 जनवरी 2003 को शुरू हुआ था और इसका आखिरी एपिसोड 17 नवंबर 2006 को टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के 192 एपिसोड्स बने थे और हर एपिसोड 22 से 23 मिनट का होता था, जिसे कि राजीव मेहरा ने डायरेक्ट किया था और यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन ने इसे प्रोड्यूस किया था। ये शो अमेरिकन टीवी शो सबरीना द टीनेज विच से इंस्पायर्ड था। इस शो के टाइटल सॉन्ग को बॉलीवुड की फेमस प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान ने गाया था। इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस शो को बेस्ट किड्स प्रोग्राम कैटेगरी में इंडियन टेली अवार्ड्स मिला था। इस शो को बाद में डिज्नी चैनल, टीवी एशिया और स्टार उत्सव पर भी रीटेलीकास्ट किया गया था। इस शो की कहानी जिया नाम की लड़की की लाइफ पर बेस थी, जो कि एक विच थी। इस शो की शुरुआत जिया के 18वें जन्मदिन से होती है और उसी दिन जिया को वो सभी जादुई शक्तियां मिलती हैं जो उसकी माँ और नानी के पास पहले से होती है। जिया की माँ और नानी माँ को ये शक्तियाँ परिस्तान की रानी माँ से मिलती है। जिया की माँ राधा की शादी डॉक्टर सूरज नाम के इंसान से होती है, इसी कारण वो धरती पर रहने लगती है। जिया अपने माँ बाप, छोटे भाई जय और नानी सुषमा के साथ रहती है। जिया अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ध्रुव को पसंद करती है। साथ ही पैम, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ती है, वो भी ध्रुव को पसंद करती है और हमेशा जिया और ध्रुव के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। फाइनली शो के एंड में जिया और ध्रुव की शादी हो जाती है। जिया की लाइफ के ऐसे ही जादुई और मजेदार किस्सों पर बेस थी इस शो की कहानी। अब बात करते हैं इस शो की मेन कास्ट की। जिया के रोल में थी श्रुति सेठ, जिया की नानी सुषमा के रोल में थी फरीदा जलाल, जिया की माँ राधा के रोल में थी पूनम नरुला और पूनम नरुला को रिप्लेस किया था ईवा ग्रोवर ने। जिया के पिता डॉक्टर सूरज के रोल में थे महेश ठाकुर, जय के रोल में थे सुहेल जाफर, ध्रुव के रोल में थे करणवीर वोहरा, पैम के रोल में थी सिंपल कॉल, जिया की पड़ोसन शांति के रोल में थी शोमा आनंद। इस शो के ऑफ एयर होने की कुछ खास वजह नहीं थी। 4 सालों तक सक्सेसफुली चलने के बाद इस शो की कहानी खत्म हो गई थी और इस शो को एक हैप्पी नोट जिया और ध्रुव की शादी के साथ बंद कर दिया गया। इस शो के सभी एपिसोड्स स्टार इंडिया की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जिन्हें आप जब चाहे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वो पुरानी यादें सीरीज का ये एपिसोड? और आप अगले एपिसोड में कौन से शो की यादें ताजा करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिल्म्स और टीवी की दुनिया से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मो टीविया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।